अभी जो फॉल सीलिंग के लिए हमारे चैनल वगैरह आए थे तो देख सकते हैं, चैनल जो आए थे हमारे टाटा के आए हुए थे सारे चैनल, ठीक है। तो कुछ जगह ये प्रिंटेड होते हैं, लेकिन जो चैनल जो भी लें ऐसा नहीं हो, टाटा को लो या किसी भी कंपनी का, अच्छा चैनल होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए वो चैनल। तो वो चैनल हमने यहाँ पर मंगाए थे, तो आप देख सकते हैं चैनल वगैरह ये जो फॉल सीलिंग होती है उसमें यूज़ होता है। आगे मैं आपको दिखा दूँगा किस तरीके से ये बत्ता है, और स्पेशली जो बात होती है जब चैनल नीचे लटकाते हो तो उसके बीच में ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए, 2 फीट के आसपास होना चाहिए। तो ज़्यादा गैप होने में उससे क्या है, थोड़ी सी चैनल जो है कमज़ोर हो जाती है। कॉस्ट कटिंग के लिए बहुत से लोग चैनल को नज़दीक नज़दीक बांध देते हैं, मतलब दूर दूर बांध देते हैं, जिससे कि उनके चैनल कम लगे और कॉस्ट कटिंग कर लेता है, लेकिन उससे बाद में जो सीलिंग होती है उस पर फ़र्क पड़ता है। तो चैनल में देख सकते हैं, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा सारा चैनल टाटा का आ रखा है, और इतने चैनल आ रखे हैं देख सकते हैं, टाटा का चैनल है। उसके बाद अभी जब हमारा फॉल सीलिंग का काम शुरू हो रहा था तो इस तरीके से इन्होंने चैनल बांधी थी। देखिए मैं आपको बात की वीडियो दिखा देता हूँ, यहाँ पर इन्होंने जो गैप है ऊपर देख रहे होंगे तो आपको इन्होंने प्रॉपर गैप मेंटेन किया हुआ है, और ये तार वगैरह ऑलरेडी मैंने दिखा दी थी तो हैवेल्स की लग रही है, तो बहुत तार वगैरह हमने यहाँ पर बांधी थी। बाकी जो इसमें पीयूपी है सकरनी की है, ओरिजिनल सकरनी लगा हुआ है। अभी जो कट्टे मैं आपको दिखा दूँगा आखिरी में, वो सारे कट्टे जब हमारी फॉल सीलिंग तैयार हो गई थी उसके बाद लगे थे। तो ये देख सकते हैं, ये आपने चैनल जो है बांध दिए हैं, इस तरीके से बांध रखे हैं, अभी आपको पता नहीं चल रहा होगा, तो इस तरीके से चैनल बनते हैं। और अभी इसमें फॉल सीलिंग होगी, जो सीलिंग है उसके थोड़े से लेवल से नीचे आके एक अलग से सीलिंग जो बनती है, नकली सीलिंग, तो वैसे नॉर्मली फॉल सीलिंग बोला जाता है। अभी इसमें पीओपी लगेगी, तो पीओपी लग के जो डिज़ाइन आएगा वो सामने कंप्लीट आपको दिखाई देगा। तो ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर इस तरीके से कुछ इन्होंने चैनल बांधे थे, देख सकते हैं बीच में इन्होंने एक पॉइंट दिया हुआ है जहाँ पर आप झूमर वगैरह लटका सकते हैं, और साइड के 2 पॉइंट जो है वो पंखे के लिए हैं। तो पंखे की जो रॉड वगैरह भी है अभी ही लगेगी, बाद में जब सीलिंग पीओपी लग जाएगी तो तब नहीं बनते। ये फ़िलहाल देख सकते हैं आप यहाँ पर कैसे इन्होंने स्ट्रक्चर तैयार किया है, और इसके बाद इसके ऊपर पीओपी लगा के पूरी सीलिंग तैयार हो जाएगी। तो ये इन्होंने जो सीलिंग का है, उन्होंने कुछ बेस बनाया हुआ है चैनल बात के, तो चैनल अच्छी क्वालिटी का आपने चेक करना है, अच्छी क्वालिटी लगाएं, साथ ही साथ जो पीओपी है इसमें अच्छी क्वालिटी की लगाएं। तो यहाँ फ़िलहाल जो हल्द्वानी में है तो सकरनी चलता है, तार वगैरह जो आपको दिखाई दे रही होंगी सारी हैवेल्स की तार है, मैंने ऑलरेडी दिखा दिया था जब इलेक्ट्रिक का आइटम परचेज वगैरह कर रहे थे तो कौन सी क्वालिटी का यहाँ पर तार वगैरह लग रहा है वो दिखा दिया था मैंने। तो ये देख सकते हैं आप, ऊपर फॉल सीलिंग का आपको डिज़ाइन वगैरह दिखाई दे रहा होगा जो इन्होंने चैनल से बांध रखा है, इस तरीके का कुछ डिज़ाइन है देखिए। और यहाँ पर जो गैप वगैरह है प्रॉपर मेंटेन किया हुआ है इन्होंने डिज़ाइन के हिसाब से, अगर एक गैप दूर दूर बांधते हैं तो उससे दिक्कत आती है, बाद में सीलिंग नीचे लटक जाती है, मतलब जितना इसको सपोर्ट रहेगा उतना बढ़िया रहेगा। ये देखिए जो किनारे हैं, इन्होंने किनारे प्रॉपर जो तार आ रखी है उसको, तार को हमने पाइप के अंदर से डाल रखी है फोल्डेबल, ताकि वो तार जो है पीओपी में चिपके ना, आसानी से निकल जाए। तो ये इस तरीके से चैनल बांध रखा है। अभी मैं इसके बाद जो वीडियो दिखाऊंगा जब सीलिंग तैयार हो जाएगी तब का वीडियो, तो देख सकते हैं अभी यहाँ पर ये सीलिंग तैयार होकर कुछ इस तरीके से आई है, सामने आपको लाइट की फिटिंग दिखाई दे रही होगी। पहले की सीलिंग और अभी की सीलिंग में देखिए, वो डिज़ाइन इस तरीके से तैयार करते हैं ताकि पता नहीं चलता है। अब देखिए आपको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा किस तरीके की यहाँ पर फॉल सीलिंग बनी हुई है। तो अभी लाइट की फिटिंग वगैरह हो रही है इसमें, ये देखिए पूरा सीलिंग आपको डिज़ाइन दिखाई दे रहा होगा इसमें, तो काफ़ी बढ़िया डिज़ाइन लग रहा है। अब साथ ही साथ मैं आपको कट्टे भी दिखा दूंगा, जो कट्टे पीओपी के लगे थे यहाँ पर, तो ये सकरनी के कट्टे लगे थे सारे, देख सकते हैं बढ़िया पीओपी है और झड़ती नहीं है, तो सारे सकरनी के कट्टे हैं यहाँ पर जो यूज हुए थे। आप लोगों ने वीडियो को देखा, वीडियो देखने के लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।